हेलो दोस्तों, इजी एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्लिपकार्ट से बुक किए हुए शिपमेंट को रिटर्न, पार्सल को रिटर्न कैसे करते हैं, आपके अकाउंट में उसके पैसे कैसे लाते हैं, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में जो तीन लाइन है वहाँ क्लिक करके माय ऑर्डर में जाना होगा। माय ऑर्डर में जाने के बाद आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो भी आपको रिटर्न करना है। ये देखिए 507 रुपये का यहाँ पर एक शिपमेंट डिलीवर हुआ है, यहाँ पर आपको उसको रिटर्न करना है। तो जो भी उसका रीज़न है, रिटर्न क्यों कर रहे हैं आप, पहले वो रीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने सेलेक्ट किए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद नीचे क्या क्वालिटी में क्या इशू था आपको वो सेलेक्ट करना है। चेंज पर क्लिक करके आप आपका रीज़न आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसका रीज़न जो भी है क्वालिटी सही नहीं है वो सब सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर हमको कमेंट ऐड करना है, जो भी कमेंट है क्वालिटी कमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें दोस्तों वैलिड होनी चाहिए, इसमें कोई भी फेक नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद रिफंड का ऑप्शन आएगा या कुछ प्रोडक्ट पर रिप्लेसमेंट होता है। अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप तीन ऑप्शन में पैसे मंगवा सकते हैं, गिफ्ट कार्ड, दूसरा बैंक अकाउंट वाया UPI फ़ोनपे वगैरह में आप मंगा सकते हैं, या फिर आप आपके बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। तो बैंक अकाउंट का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको IFSC ऐड करना है। IFSC अगर आपको पता नहीं है तो आपको वहां पर सर्च करना होगा जो भी बैंक का आपका अकाउंट है। अगर आपको नहीं पता है तो अदरवाइज आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैसे सर्च करते हैं हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, महाराष्ट्र, और जो भी आपका लोकेशन है वो लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। आप सर्च करोगे तो ये गेट कोड, ये देखिए ये कोड आ गया, हमने एक एग्जांपल दिए थे। सो जो भी आपका बैंक का कोड है, IFSC कोड है, आपको वो कोड यहाँ पर ऐड करना है। ये देखिए कोड ऐड करते से ही आपका बैंक और उसका ब्रांच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड याद रखना दोस्तों, करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। ये देखिए बैंक अकाउंट का नाम आ गया, IFSC कोड डालने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर ऐड करना है। अकाउंट नंबर आपको आपका करेक्ट अकाउंट नंबर ही डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर भी ऐड करके आपको बता देते हैं। ये अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है और अकाउंट नंबर कंप्लीट करेक्ट होना चाहिए। अगर आप गिफ्ट कार्ड में पैसे मंगाते हो तो आपको गिफ्ट कार्ड में पैसे आप उसके हेल्प से कोई भी प्रोडक्ट आप बुक कर सकते हो, लेकिन वो गिफ्ट कार्ड वाले पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, ये बात याद रखिए। अच्छा, ऊपर जो आपने अकाउंट नंबर डाला है वही अकाउंट नंबर आपको कन्फर्म भी करना है, और उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम है, जिस भी जो खाता जिस नाम से आपने दिया है वो यहाँ पर ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ ऐड करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो बैंक से रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई ज़रूरत नहीं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको ऐड न्यू अकाउंट करना होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कुछ मिसमैच है, ये हमने खुद ने किया ताकि आपको पता सके अकाउंट नंबर जो नहीं दिख रहा उसमें और कन्फर्म अकाउंट नंबर में इसमें कोई भी मिसमैच नहीं चाहिए। ये कंप्लीट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे भी चाहिए। तो चलिए अकाउंट नंबर करेक्ट हो चुका है, अभी हमको ऐड न्यू अकाउंट करना है, यहाँ पर कंफर्म करना है। हमने ऐड न्यू अकाउंट करके कंफर्म कर दिए। अब यहाँ पर अकाउंट का ये देखिए जो अकाउंट हमने ऐड किया उसका ऑप्शन आ गया, वहाँ पर आपको वो सेलेक्ट करने के बाद उसको सबमिट करना है। ये देखिए बैंक अकाउंट सबमिट होने के बाद ये देखिए अप्रूव हो चुका है। यहाँ से आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, और आपको डिलीवरी बॉय पिकअप के लिए उस सेम डे या नेक्स्ट डे आपका प्रोडक्ट लेने के लिए आ जाएगा। आप यहां से उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आपका रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ या नहीं। यहां पर देखिए ये अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और आपको कोई